आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है, इन्होंने कई पार्टीज ज्वाइन की और कई पार्टीज छोड़ी हैं। अब मेरे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता। अभी हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है दामन थामा है। इससे पहले अगर शुरुआती की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का दामन इन्होंने थामा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का थामा था और उसके अलावा भी कई सारी पार्टीज का इन्होंने दामन थामा और उसके बाद एनडीपीआई का दामन थामा, उसके बाद रेजिग्नेशन भी दिया और फिर से उस पार्टी को ज्वाइन किया और आज फिर से रेजिग्नेशन देकर ये आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला मेरा यही सवाल है कि कई सारी पार्टीज आपने बदली, क्या लगा पार्टी रास नहीं आई या पार्टी में घूमने का मन कर गया? नहीं नहीं पार्टी घूमने का नहीं, मेरा तो मैंने पूजा जी आपको पहले भी काफ़ी बार इंटरव्यू में यही बताया है कि मेरा मेन मकसद है जम्मू के लोगों की सेवा करना और मैं वही अभी तक करता आया हूँ। लेकिन कुछ पार्टियों जहाँ मैंने बदली वहाँ दम घुटता था, उनकी कार्यकारिणी जो मुझे पसंद नहीं होती थी उस वक्त मजबूरी होती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने जैसे भी पार्टियां बदली लेकिन मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सभी का एजेंडा सेम ही है, मतलब उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता था। तो बड़ी इस चीज़ को लेके मन में एक क्या कहते हैं कसक थी। तो जैसे ही मुझे आम आदमी पार्टी में आने का मौका मिला तो मेरी तलाश ख़त्म होगी इस मंच में आकर, और मुझे ऐसा शख्स मिला जिसके नीचे उनकी लीडरशिप के नीचे मैं काम करना चाहता था, वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल। उनकी आइडियोलॉजी, उनका काम करने का स्टाइल मुझे बहुत ही भाया, तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। तो जितने भी पार्टीज आपने आज तक ज्वाइन किया है उनमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती थी जो आप उन्हें ज्वाइन करते थे? एक्चुअली वो जैसे आपने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी ऐसे लोगों को लुभावनी बातें करते हैं, ऐसा माया जाल बिछाते हैं अपनी बातों का। आप भी उन बातों में आ गए। मैं भी उनकी बातों में आ गया। अब पूरा देश ही आप देखो मोदी जी की बातों में आके कितना परेशान है, हर कोई अब उनको गालियां ही निकालता है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको गाली नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन उनको काम को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतनी पेट्रोल की कीमत 105 से भी पार हो गई, गैस का सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया है, सब्जियां इतनी महंगी होगी, दालें इतनी महंगी होगी, हर चीज़ आप हम आम आदमी पार्टी इसीलिए काम ही जिसका पार्टी का नाम ही आम आदमी है वो आम आदमी के लिए ही काम करता है। तो हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी से भाजपा का बोल रहे हैं कि लोग भी तंज कस रहे हैं और जो विपक्षी दल है वो तो कसता ही दल है, तो उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए, यहाँ इसका भी दामन आपने थामा और छोड़ दिया, क्या लगा, ऐसी क्या बातें आपको अट्रैक्ट कर गई थी और उसके बाद आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में वर्कर की कदर नहीं है। हमने अपनी पूरी जवानी दे दी, अपना खून से सींचा पार्टी को। मैं स्टूडेंट था उस वक्त, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 1976 में, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना जी जान से हमने वहाँ पर काम किया, हाँ एक बात जो मैंने नहीं की वो थी साइको फैंसी, वो मुझसे होती नहीं। तो वहाँ जो ज़्यादा कैपिटलिस्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कांग्रेस में जाने की यही है, या तो आप कैपिटलिस्ट हो या फिर आप चमचा हो। अगर आप चमचागिरी में निपुण हैं तो आपको वहाँ पर अच्छी आपकी जय जयकार होगी। एनडीपीआई की बात की जाए तो आपने इनका दामन थमा किस मुद्दे में थमा? एनडीपीआई एक नई पार्टी थी, वो वर्जिन पार्टी थी, वो मेरे पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राजेश जी आप हमारी पार्टी को संभालिए, आपको बहुत तजर्बा है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि चलो एक नई पार्टी है, सारे इसमें बेदाग लोग हैं तो मैं इसको चलाता हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहता था लोगों के लिए, देखिए उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ज़रूरी है, चार लोग भी होने ज़रूरी है, हमें कुछ डिस्ट्रिक्टों में जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, वो अभी उनके पास ये सब कुछ नहीं था। तो आपने एक बार रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद फिर से ज्वाइन की थी, उसके बाद फिर से रेजिग्नेशन दिया,
क्या आप लगता है आपको दो बार रेजिग्नेशन देने के बाद आप फिर से ज्वाइन? रेजिग्नेशन उस वक्त मैंने इस नीतियों की वजह से दिया था, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था तो उन्होंने, मैंने ये सिर्फ कंडीशन रखी थी कि भाई देखो पार्टी चलाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, मैं अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता हूँ, आपको भी पूरा साथ समर्थ, कहते हैं हमारा पूरा आपको साथ समर्थन रहेगा, लेकिन मैंने अपने से सब कुछ करता रहता था, लेकिन मैं कोई इतना सरमायादार तो हूँ नहीं, मैं भी सिंपल बन। जितनी भी पार्टीज आपने आज तक ज्वाइन की हुई है, आपको उनकी नीतियाँ अच्छी लगती है तब आपने ज्वाइन किया, अभी आपको आम आदमी पार्टी की नीति अच्छी लग रही है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनकी कोई नीति पसंद आए, कहाँ पसंद आए, तो क्या आप कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर मैंने कहा ना ये दिस इज़ माई एंड, अब यहीं पर जीना यहीं पर मरना है, ये यू टेक माई वर्ड्स, क्योंकि अजमाए हुए को क्या अजमाना, दुनिया जिसको साथ चल रही है और इतना अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में एक एग्जाम्पल सेट की उन्होंने, 67 सीट्स वहाँ से निकालना इज़ नॉट ए जोक, वो भी बीजेपी को हरा के क्लीन स्वीप। तो वो अब क्या एजेंडा जम्मू कश्मीर में, क्या एजेंडा है, किस एजेंडे से आप आम आदमी पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर में हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम उन्हीं नीतियों पे आगे बढ़ेंगे जो हमारा वहाँ का पैटर्न है, दिल्ली का, उसी पैटर्न को लेके हम, क्योंकि हमने तो आम आदमी की बात करनी है, तो आम आदमी की जो मेन ज़रूरत होती है वो होती है पानी, बिजली, महंगाई ना हो, और मतलब उनको हर एक जो छोटे छोटे काम होते हैं, किसी की नाली, किसी का सड़क, उनको लोग महंगाई की बात करें, अपने हेरिटेज को बचाने की बात करें, कुछ लोग स्टेटहुड की बात करें, आप किसकी बात करें, आम आदमी पार्टी किसकी बात कर रही है जम्मू कश्मीर में? आम आदमी पार्टी आम आदमी की ही बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ये जो पार्टियाँ हैं ये सिर्फ इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, ये दे आर नॉट प्रैक्टिकल, हमारी पार्टी फुल ऑफ प्रैक्टिकल पीपल, वो काम करना जानते हैं, उनका काम बोलता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कल ही देखिए केजरीवाल साहब ने आरटीओ ऑफिस को ताला लगा दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा आपके घर में ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा, यहाँ पर कोई करता है? और कहीं मैं मिसालें दे सकता हूँ, यहाँ पर जो उनके हेल्थ का देखो हेल्थ इशू, तो बिना ट्राई के लाइसेंस बनाना क्या लगता है वो नुकसान नहीं होगा लोगों के लिए, जिनको लाइसेंस नहीं होगा जिनके पास, वो कैसे चला पाएंगे बिना ट्राई के? नहीं, बिना ट्राई के किसने कहा है? आपने बोला घर बैठे ही नहीं, घर बैठे मिलेगा, ट्राई तो होगी, लेकिन जो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जम्मू के आरटीओ में भी घर बैठे ही लाइसेंस मिल जाता है, आपने ट्राई देने के लिए जाना, उसके बाद आपने घर पर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हुआ है, यहाँ पर भी फिर भी ऑफिस बंद कर दी। और भी बड़े इश्यूज होते हैं, खाली जब लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, और भी कुछ लोगों के जो इश्यूज होते हैं वो उन चीज़ों को लेके भी लोगों को घर में ही सहूलतें मिलती हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी ऑफिस में भी काम है दूसरे किसी ऑफिस में तो आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, शाम को बाबू आपके घर आएगा, आपसे पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चाहिए होंगी वो आपसे लेके, वो जो काम आपका जेन्युइन है तो आपके घर काम करके आपके पास पहुंच जाएगा। हेल्थ का देखो गली गली मले मले में उन्होंने हेल्थ सेंटर्स खोले हैं, अगर आपका कोई भगवान ना करे कोई बीमार है तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कुछ नहीं, तो आपका उधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि खर्चा सरकार उठाएगी, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। देखिए ये होती है काम का करने का तरीका, यहाँ पर तो हमारे हॉस्पिटल्स ही नहीं है, यह बुरी हालत है यहाँ पर, तो ये चीज़ मैं कितनी बार चला के पहले भी बोला हूँ, जब मुफ्ती साहब थे मैंने उनको पहला क्वेश्चन ही जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त मैं भी मीडिया का भी था, तो मैंने कहा था कि आपको ह्यूमन वैल्यूज़ की कदर है, उनको है, तो मैंने कहा आपने अपने एजेंडे में उसमें एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, रोज़ लोग इतने डोडा साइड में इतने लोग मरते हैं, इन्होंने कभी उस चीज़ की खबर ले नहीं ली। मैंने उस सिलसिले में मनोज सिन्हा साहब का रेजिग्नेशन तक मांग लिया था कि आप लोग प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हेल्थ इश्यूज़ को, सबसे पहले बंदे की हेल्थ इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक उस वक्त कांग्रेस के मंत्री थे
वो हेल्थ मिनिस्टर थे, आजकल बीजेपी में हैं। उस वक्त उन्होंने इतना कहा था कि मैं हर 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस लगा दूंगा। एक भी एम्बुलेंस हमें नेशनल हाईवे पे नहीं मिली। ये चीज़ें हैं ना, अब जब हमारी सरकार आएगी आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखेगी। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक बार इस पार्टी को मौका, सेवा करने का मौका दें और भारी संख्या में इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जम्मू में तो ये आम बात फैल चुकी है कि बीजेपी का विकल्प मिल चुका है आम आदमी पार्टी के रूप में। इसलिए आम आदमी पार्टी को आप अपनाइए और देखिए कि जम्मू के हालात कितनी जल्दी से बदलते हैं। जुड़ने के लिए तो हमारे साथ राजेश गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने कई सारी पार्टियों का दामन थाम के उनको छोड़ दिया, अब आम आदमी पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। और इनकी इनका ये कहना है कि इनकी खोज अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने बाकी लोगों से भी आग्रह किया है कि आप बढ़ चढ़ कर आए, आम आदमी पार्टी का दामन थामे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों की आम समस्या का निवारण करेगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।